इंदौर में जहां पुलिस प्रशासन अपराधों को कंट्रोल करने में लगी हुई है, तो वहीं आए दिन असामाजिक तत्वों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी भूमरी में हुआ है, जहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा एक जूते कारोबारी की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित बड़ी भूमरी में राकेश प्रजापत की दुकान में कुछ नकाबपोश असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था, जो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी व गाड़ी कैद हो गई। वहीं फरियादी राकेश प्रजापत से जब बात की गई तो फरियादी ने कहा कि जिन लोगों ने आग लगाई है उनकी शिकायत विजयनगर थाने में कर दी गई है। वहीं थाने पर सीसीटीवी फुटेज भी दिए गए हैं, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं फरियादी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले उनका किसी दुकान संचालक से विवाद हुआ था, उसके बाद आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा उनको मारने व दुकान में आग लगाने की धमकियां दी जा रही थी। फरियादी का कहना है यह है कि पुलिस प्रशासन आरोपियों को ढूंढने में मदद कर रहा है। ये जो लोग असामाजिक तत्व हैं, इन लोगों द्वारा मेरी दुकान के बाहर आग लगाई गई थी ताकि मेरी दुकान पूरी जल जाए। तो वो तो मतलब काउंटर जल गया मेरा, और जो अपने पेट्रोल की बाटल में पेट्रोल भर के लाया था बाटल के अंदर, उनने बाटल डाली और लाइटर से आग लगाई और भाग गया, जिसका फुटेज निकाल रहे हैं हम। और आसपास के जो फुटेज उनमें उसका भी उसमें दिखा है, नंबर भी दिख रहा है, और पुलिस भी हमारा अच्छा सहयोग कर रही है, और हम यही चाहते हैं कि बस ये जल्द से जल्द पकड़े जाएं। किसी लोगों पर उनको शक किया? पिछली बार एक मगजमारी हुई थी, अब शक तो है लेकिन अब कैसे अपन बता भी नहीं सकते। कुछ कैमरे में कुछ लोग दिख रहे हैं? हाँ, दिख तो रहे हैं कैमरे में। दो जन हैं, वो दो गाड़ी पर बैठ के आए थे, एक जन गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और एक जन नीचे उतर के आया और उसने आग लगाई। एक गाड़ी चल्लू करके ब्रिज के ऊपर खड़ा था। गाड़ी का नंबर? ये विजयनगर थाने का मामला है। गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ दिख रहा है? गाड़ी का नंबर कैमरे में दिख रहा है और हम देख रहे हैंगे, जांच कर रहे हैं, पुलिस वाले भी जांच कर रहे हैं उसकी, अच्छे से जांच कर रहे पुलिस वाले भी। आपका मैं राकेश प्रजापत, दो बड़ी